सो फुटबॉल ग्राउंड से सीधे आ चुके हैं हम यहाँ ओपन स्पेस में, और हमारे साथ हैं स्वयं जी, ये हमारे वेदांत समिति के सेक्रेटरी हैं। तो वेदांत समिति के बारे में कुछ बताइए आप कि ये क्या है, क्या करती है, सोसाइटी में क्या क्या होता है। वेदांत समिति इज अ सोशियो कल्चरल सोसाइटी ऑफ आवर कॉलेज। वी स्प्रेड वी सॉल्व सोशल इशूज, वी स्प्रेड सोशल एंड कल्चरल अवेयरनेस। कोई भी कल्चरल इवेंट हो, कल्चरल डांस हो, कल्चरल सॉन्ग हो, वो सब हमारी सोसाइटी प्रमोट करती है। एंड एवरी काइंड ऑफ पूजा हो गया, कुछ भी हो गया, एनीथिंग रिलेटेड टू कल्चरल, वो हमारी सोसाइटी देखती है। एंड द सेकेंड थिंग इज देर आर मेनी सोशल इशूज इवॉल्विंग इन आर कंट्री, तो उसको एड्रेस करना, उसको सॉल्व करना, वो सभी हमारी सोसाइटी देखती है। कुछ इवेंट जैसे आपने भी गणेश पूजा कंडक्टर करवाया था, ये सब करवाया था, कुछ ऐसे इवेंट बताइए जो आपने करवाए हैं। रिसेंटली हमने गणेश पूजा कराया था और जन्माष्टमी कराया था। हमारे पूरे साल में एक विशिष्ट होता है जो एक 3 दिन का फेस्ट होता है, जहाँ हम बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट या कोई अच्छा स्पीकर उसको बुलाते हैं, एंड ही और शी स्पीक्स अबाउट लाइफ, अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग। वहाँ हम कुछ सोशल इश्यूज में भी ध्यान देते हैं, जैसे अनाथ आश्रम विजिट करना हो गया, कैंसर पेशेंट को विजिट करना हो गया, ओल्ड एज होम विजिट करना हो गया, प्लांटेशन ड्राइव हो गया, ऐसे बहुत सारे सोशल इश्यूज को भी एड्रेस करते हैं। और अब की बार कुछ उसको ज़्यादा अच्छे स्केल में करने का प्लान है। और अभी अपकमिंग इवेंट जो अभी कवर करेंगे आप करवाएंगे? नेक्स्ट इज विशिष्ट ओनली इन जनवरी। डू जॉइन अस। ज्वाइन बिल्कुल करिएगा, ये हमारे कॉलेज की सबसे ज़्यादा रूटेड सोसाइटी है, सबसे ज़्यादा कल्चरल सोसाइटी है। यहाँ पर पूजा पाठ से रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं और बहुत ही ध्यान से करवाई जाती हैं, बहुत ही उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। एक एक चीज़ पंडित बुलाने से लेके पूरा जो भी रसम, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, सब फॉलो किए जाते हैं और अच्छे से करवाया जाता है। प्रसाद भी बंटवाया जाता है। यहाँ की खीर बहुत ही अच्छी लगी थी जब हमने खाई थी, काफ़ी मज़ा आया मेरे को खा के भाई, एकदम चित्त प्रसन्न हो गया हमारा। कौन कौन से बच्चे इनको ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट ईयर्स? मैं तो चाहता हूँ कि सारे बच्चे ज्वाइन करें, एक बार आएँ, ट्राई करें, नहीं पसंद आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, सबका अपना अपना डोमेन रहता है। बट मेन थिंग इज आइए, काम करिए। हम लोग कोई ऐसा कोई कल्चर ही बहुत फ्रेंडली है, लाइक हम लोग के सेकेंड ईयर्स आके हमारे साथ रूम में बैठे रहते हैं, हमारे साथ हमारा ही कबोर्ड खोल के खाना खा लिया, फिर बोले भैया कुछ खिला दो, ठीक है। तो वो बहुत फ्रेंडली नेचर है, वो आपको अगर वो एंजॉय करना, जरूर आइए और आइए, काम करिए, मन करा तो करिए, नहीं करा तो मत करिए, मस्ती करके चल जाइए। क्या क्या सीखने को मिलेगा और क्या म्यूसली खाने को मिलेगी आपके कबर्ड में? कबर्ड में म्यूसली तो नहीं है, जो जो रहेगी वो खा लेना। बाकी क्या क्या सीखने को मिलेगा उसमें, यू नो यू विल वर्क विद आर टीम, तो टीम वर्क के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा, मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा बात कि हम लोग बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोसाइटी होते रहते हैं, हम लोग फन भी करते हैं तो फन भी मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स हम लोग सीनियर हैं तो फर्स्ट ईयर को गाइड भी करेंगे तो गाइडेंस भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट ईयर्स का रिस्पांस कैसा रहा आपको और आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? फर्स्ट ईयर को तो बोल दिया यार, डू जॉइन अस, वील हैव अ ग्रेट टाइम टुगेदर, वील हैव फन, वील रॉक, वील हैव अ ग्रेट इवेंट, वील परफॉर्म, वील कंडक्ट एंड वील डू एवरीथिंग विद आवर इवेंट्स। दूसरे के इवेंट में भी जाके परफॉर्म करेंगे, दूसरे के इवेंट के जरिए हेल्प करेंगे और दूसरे से हमारा इवेंट भी हेल्प करवाएंगे। यही है हमारा IIIT फैमिली। जरूर जरूर, धन्यवाद।